हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु मोटर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हीरो की एक्सपल। आप इसको एक्सपल भी बोल सकते हो, उसके अलावा हीरो की ऑफ रोड बाइक भी बोल सकते हो, क्योंकि हीरो की एकमात्र यही बाइक है जो कि अपने को ऑफ रोड कैपेसिटी के साथ मिलती है। तो इसके बारे में आज आपसे डिटेल से बात करने वाले हैं, कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को इंजॉय कीजिए। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ इसकी प्राइस है 1,35,000 रुपये एक्स शोरूम जयपुर के हिसाब से। वैसे एक्स शोरूम हर जगह के सेम होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर मैं जयपुर में वीडियो बना रहा हूँ कि आप देख सकते हो इस प्रकार की अपने को की मिल जाती है। यहाँ पर अपने को मिलता है इसका स्विच, ये इसका फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसके अंदर अपने को RPM, अपना स्पीडोमीटर, उसके अलावा अपने गियर, टाइम, ऊपर के साइड में अपने को सारी लाइटें मिल जाती है, जैसे साइड स्टैंड की, इंजन की, ABS की। तो काफ़ी अच्छी बाइक अपने को ये मिल जाती है। उसके अलावा इसमें अपने को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, और उसी के साथ साथ इसमें अपने को रियल टाइम माइलेज और फुल मतलब रनिंग के हिसाब से माइलेज मिल जाता है। तो इतने सारे फीचर के साथ में अपने को ये बाइक मिलती है। इसका एक अपने को ऐप आता है जिससे अपन कनेक्ट इसको कर सकते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें ओवरऑल, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अपने को मिलता है। इस प्रकार के अपने को मिलते हैं कुछ इसके साइड मिरर, जो कि आप देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट की फिनिशिंग के साथ में। उसके साथ साथ ये मिल जाता है इसके कंसोल वगैरह। यहाँ पर अपने को गार्ड मिलता है, जिसको अपन हैंड गार्ड भी बोल सकते हैं। ये अपना बिल्कुल लाइट क्लच मिल जाता है, पासिंग स्विच, अप लाइट अप एंड डाउन स्विच, इंडिकेटर। उसके नीचे मिल जाता है अपने को हॉर्न का स्विच, जो कि आप देख सकते हो। ये अपने को सिल्वर के अंदर कुछ हैंडल मिलता है, और आप ये देखो तो पिछले वाली अपने एक्सपल से थोड़ा सा इसको अप कर दिया गया है। ये है हीरो एक्सपल 200 4V। ये इंजन किल स्विच, सेल्फ का स्विच, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अब आ जाते हैं इसके फ्रंट में। तो फ्रंट में अपने को फुल्ली LED सेटअप के साथ में हेडलाइट मिल जाती है विथ DRL विथ हीरो की बैचिंग के साथ में, जो कि आप देख सकते हो इसका हाई बीम। यहाँ पर अपने को थोड़े बहुत मतलब यूनिक स्टाइल में DRL टाइप के मिल जाते हैं। बाकी ये मिलता है इसका इंडिकेटर। और फ्रंट बम्पर की बात करें तो आप देख सकते हो काफ़ी यूनिक इसका बम्पर है, रैली एडिशन की बैचिंग के साथ में। फ्रंट में हीरो की बैचिंग जो कि रेड एंड ब्लैक में अपने को मिलती है। बात करें सस्पेंशन की, तो फ्रंट के अंदर अपने को टेलीस्कोपिक फ्रंट फ्रॉक डाई 37 विथ एंटी फ्रैक्चर ब्रश के साथ सस्पेंशन मिलता है। बात करें फ्रंट टायर साइज की, तो 90/91R21 का अपने को टायर मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा टायर अपने को मिलता है इसमें C8 का। और टायर साइज की जैसा मैंने बताया, और ऑफ रोडर टायर मिलता है स्पोक व्हील के साथ में। इसमें अलॉय व्हील नहीं आता क्योंकि ये ऑफ रोडर बाइक है। फ्रंट के अंदर 276mm का डिस्क ब्रेक मिलता है विथ ABS के साथ में। इसके अंदर अपने को सिंगल चैनल ABS मिलता है। तो ये इसका फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 13 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, और ये हीरो के CEO की CA संतोष की सिग्नेचर के साथ में मिलती है। बाकी आप ग्राफिक वगैरह देख सकते हो, रेड ग्रे एंड ब्लैक के अंदर आप कितने प्यारे ग्राफिक इसके लग रहे हैं। बिल्कुल पीछे तक अपने को ग्राफिक मिल जाते हैं। बात कर ले इसके इंजन की, तो इसके अंदर अपने को BS6 ऑयल्ड कूल्ड 5-स्पीड मैनुअल गियर के साथ में 99.6 cc का 18.8 BHP निकालने वाला इंजन मिल जाता है। और बात करें टॉर्क की, तो 17.35 Nm का टॉर्क अपने को इसमें मिल जाता है। बात कर ले इस इंजन के माइलेज की, तो लगभग 35 से 45 तक का अपने को माइलेज देता है। और टॉप स्पीड की बात करें तो 120 तक की इसमें अपने को टॉप स्पीड मिल जाती है। उसके अलावा बात करें क्लच की, तो मल्टी प्लेट के साथ विथ टाइप वेट टाइप क्लच प्लेट मिल जाती है। इसका जो इंजन है उसके ऊपर कहीं पे अपने को रेड
टचिंग दी हुई है और इंजन का कलर भी काफ़ी इसका यूनिक अपने को मिल जाता है। मेटल का इसमें अपने को इंजन गार्ड मिलता है जो कि काफ़ी हैवी मेटल के साथ में अपने को ये मिल जाता है। बाकी फ्रंट एंड रियर फुटरेस्ट की बात करें तो बिल्कुल एडजस्टेबल अपने को मिल जाते हैं जो कि आप देख सकते हो। साइलेंसर की बात करें तो साइलेंसर काफ़ी हाइट पे अपने को दिया हुआ है जो कि इसकी जो व्हील बेस है, ग्राउंड क्लियरेंस है, उसको बढ़ाने के हिसाब से अपने को ये दिया हुआ है। तो व्हील बेस की बात करें तो 1410 है और ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm है और सीट हाइट इसकी 825 mm अपने को मिलती है। बात करें रियर डिस्क की तो 220 mm का रियर डिस्क मिलता है, 120/80R18 का अपने को रियर में टायर मिल जाता है। उसके अलावा इसके अंदर मोनोशॉक सस्पेंशन अपने को मिलता है रियर में और रियर के अंदर भी टेल लाइट भी अपने को फुल्ली LED मिल जाती है। बात करें इंडिकेटर की तो इंडिकेटर अपने को नॉर्मल ही मिलते हैं और लाइट के ऊपर काफ़ी अच्छा अपने को गार्ड मिल जाता है और अपने नंबर प्लेट के लिए अपने को लाइट मिल जाती है। बात करें सीट की तो सीट इसकी काफ़ी अच्छी है और ड्यूअल कलर के साथ में मिलती है। वैसे कलर का अपने को क्या लेना देना है, वैसे भी इसके ऊपर सीट कवर आ जाएगा तो वो कोई नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल सीट होनी चाहिए क्योंकि ये तो है नहीं कि ऑफ रोडर बाइक है तो घर पे ही करेगा, वो लंबा जाएगा तो उस हिसाब से अपने को चाहिए। उसके अलावा अपन बात करें इसके रियर के गार्ड की तो इसके अंदर अपने को काफ़ी अच्छा गार्ड मिल जाता है और सेफ्टी के लिए यहाँ पर ये गार्ड मिल जाता है। ये अपना प्लास्टिक का चैन कवर मिलता है जो कि काफ़ी डिसपॉइंट अपने को दिखता है। ये सस्पेंशन मिलता है जिसके ऊपर रेड कलर की किया हुआ है। बाकी आप देख सकते हो चैन वगैरह, इंजन वगैरह, 5-speed मैनुअल गियर के साथ में। एक और चीज़ है इसमें जो कि इसका मिडल वाला स्टैंड आता है या मेन स्टैंड आता है वो अपने को नहीं मिलता है, ओनली साइड स्टैंड ही मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसमें अपने को कलर क्या क्या ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ओनली फॉर इसमें 4 कलर मिलती है जो कि बेस्ट सेलिंग वाला कलर तो आप देख रहे हो। इसके अलावा ब्लीच ब्लू कलर आता है वो भी काफ़ी अच्छा चर्चे में है और काफ़ी अच्छा बिकता है। उसके अलावा ट्रायल ब्लू कलर है, ब्लू एंड वाइट, वो भी काफ़ी अच्छा चर्चे में है और चलता है। उसके अलावा एक वाइट कलर आता है वो काफ़ी कम चलता है लेकिन वो भी कंपनी अपने को ऑफर करती है। बात कर लेते हैं इसके वर्जन वगैरह की तो इसके अंदर अपने को सिंगल वर्जन मिलता है सिंगल चैनल ABS के साथ में 137,800 रुपये का। बाकी वीडियो कैसी लगी?